हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वाई स्टडी नॉर्वे सीरीज़ की यह दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे सिक्योर करना है। आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इसको प्रोसेस कैसे करते हैं। इस सीरीज़ की ये सबसे अहम वीडियो इसलिए है कि नॉर्वे जैसे मुल्क में अगर आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो समझें आपने वीज़ा सिक्योर कर लिया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एडमिशन सिक्योर करना काफ़ी कम्पेटिटिव है और स्टूडेंट ऑलमोस्ट 12% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही एक्सेप्ट होते हैं नॉर्वे में। और आइल्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में 6.5 के लगभग चाहिए। और बेशक यहाँ पर ट्यूशन फीस ज़ीरो है, लेकिन आपको फाइनेंशियल मीन्स शो करने होते हैं ये दिखाने के लिए कि आप अपने आप को सपोर्ट कर लेंगे नॉर्वे में, जिसकी जो अमाउंट है वो 14,250 US डॉलर है। सो अगर आप एडमिशन क्राइटेरिया को मीट कर लेते और एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं नॉर्वे में, तो आप ये समझें कि आपने नॉर्वे का वीज़ा सिक्योर कर लिया है। बिफोर कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊँ और आपको बताऊँ कि स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसेस कैसे करते हैं, एक दो ज़रूरी बात करना चाहूँगा। अभी तक मैंने जितनी वीडियोज़ बनाई और उसके ऊपर जितने कॉमेंट्स आए, मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व की कि स्टूडेंट्स यू गाइज आर थिंकिंग टू मच एंड डूइंग प्रैक्टिकली नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नॉर्वे में पढ़ना है, ये 5 मिनट की वीडियो है जिसमें मैं आपको प्रोसेस शो करूँगा। जब ये वीडियो ख़त्म हो, ओपन योर लैपटॉप, स्टार्ट लुकिंग फॉर योर यूनिवर्सिटीज एंड योर कोर्सेज एंड स्टार्ट अप्लाइंग। अगर आपको नॉर्वे में पढ़ना है तो अक्टूबर में इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो आपको 4, 5, 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए और ताकि आपको एडमिशन लेटर आए, और जब आपको एडमिशन लेटर आए तो आप अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट्स पे काम करना शुरू कर सकते हैं। सो स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट प्रैक्टिकल एक्शन। आज ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ये फिर किसी दिन के लिए रख लेते हैं। अभी आपको सीधा लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि एडमिशन के लिए प्रोसेस कैसे करते हैं। इन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो भी आपका ब्राउज़र है उसको ओपन कर लें। आपने जब अपना ब्राउज़र ओपन किया तो उसके सर्च बार में आपने लिखना है स्टडी इन नॉर्वे। गूगल का जो सर्च बार है उसमें आपने स्टडी इन नॉर्वे लिखा। सबसे पहला रिज़ल्ट जो आपके पास शो हो रहा है studyinnorway.no, ये ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी अप्लाई कर रहे हो किसी मुल्क की वेबसाइट पर, मेक श्योर कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कह रहे हैं। इसका जो इंटरफेस है ये इस तरह से कुछ नज़र आता है, सो मेक श्योर कि ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। आई मस्ट से कि बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, जितनी आज तक मैंने एजुकेशनल वेबसाइट देखी सबसे सिंपल वेबसाइट यही है। सारी चीज़ें सामने मेंशन हुई हैं। सो आप सीधा लेवल पे गए और आपने मास्टर्स चूज़ कर लिया। सब्जेक्ट एरिया में लेट्स से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चूज़ कर लेते हैं। सर्च को आपने हिट किया। सो मास्टर्स लेवल पे इंजीनियरिंग में जितने भी प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं नॉर्वे में, सब की लिस्ट आ जाएगी। काफ़ी लंबी लिस्ट है। सो कल ही मेरे से एक भाई एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में पूछ रहे थे, लेट्स से हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग को ही ओपन कर लेते हैं। अच्छा, जो सेकंड पेज पे हमें ये लेके जाएंगे, पहले वही स्टडी नॉर्वे वेबसाइट ही हमें उसके बारे में मेन थोड़ी सी गाइडेंस देगी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को ऑफ़र कर रही है। ये आपकी प्री रिक्वेजिट्स है कि अगर आपने ये डिग्री करनी है तो पहले आपके पास बैचलर में इससे रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। ट्यूशन फीस एज यू कैन सी नो ट्यूशन फीस। 2 साल की मास्टर्स डिग्री है, 120 क्रेडिट आवर और इंग्लिश में ये ऑफ़र हो रही है। सो जब आप चीज़ें चेक कर लें यू आर गुड टू गो, तो आपने प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर जाना। नॉर्वे में जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने जितनी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना है, आपको उसके लिए हर यूनिवर्सिटी का अलग से लॉगिन बनाना पड़ेगा। सो जब आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, UIT ये इनकी एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके जब आप पेज के ऊपर आ जाएंगे तो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में इसके ऊपर मेंशन है। प्रोग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन मौजूद है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक्सचेंज पॉसिबिलिटीज़ इन यूरोप पॉसिबल हैं या नहीं। इनके कॉन्टेक्ट करने के लिए इनका जो कोऑर्डिनेटर है उसका ईमेल और नंबर भी है, जब भी आप चाहें इनको ईमेल कर सकते हैं, डोंट हेजिटेट। सो जब आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो इन्होंने बहुत ही सादे तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बनाई हुई हैं। सो इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट,
आपको बताया जाएगा कि ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि आप उनको मीट कर रहे हैं या नहीं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो फॉर्मल हैं वो देखनी है। चेकलिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कि ये चीज़ें आपको चाहिए, और फिर उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कैसे करना है। वो सारे करने के बाद आप सीधा एप्लीकेशन के अंदर चले जाएँ। एप्लीकेशन में लिखा हुआ है जनाब कि नेक्स्ट एप्लीकेशन पीरियड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर टू 1 दिसंबर। नॉर्वे का जो सेशन चलता है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 1 दिसंबर तक होता है। सो अगर आप नॉर्वे में पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आइडियल टाइम है आपके लिए कि 1 अक्टूबर को जब एप्लीकेशन ओपन हो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए ताकि आप एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए रेडी हों और आपकी कोई चीज़ भी मिस ना हो। अगर बैचलर्स की बात की जाए तो वो भी सेम है, आप मेन पेज के ऊपर आ जाएंगे, लेवल में मास्टर्स की जगह आपने बैचलर्स चूज़ कर लिया। एरिया ऑफ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी बहुत कम हो जाएंगे आपके पास, बैचलर में इंग्लिश टॉट इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं होते ऑलरेडी, आप देख रहे हैं 3 या 4 फील्ड्स में ही सिर्फ। सो आपने सर्च किया, जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ 2 ही प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, बायोलॉजी गेम एंड एंटरटेनमेंट। सो लेट्स से हम गेम एंड एंटरटेनमेंट पे जाते हैं। उसी तरह इसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसमें भी ट्यूशन फीस नहीं है और ये भी इंग्लिश टॉट है। सीधा सबसे पहले आपको प्रोग्राम वेबसाइट पे जाना है, उसमें आपको सारी जो प्रोग्राम की डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। सो अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं तो सिंपल उसी तरीके से आपको अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। एज यू कैन सी ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, शायद आप अपने होम कंट्री में भी इतनी आसानी से अप्लाई ना कर सकते हो जितना सिंपल फॉर्मेट ये है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट अप्लाइंग। अच्छा जी, जैसे कि आपने देखा कितना सिंपल कितना आसान प्रोसेस है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, आप अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ के नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज़ में खुद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से जब एप्लीकेशन इनकी स्टार्ट हो, मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें रेडी हों ताकि जब एप्लीकेशन ओपन हों तो आप रेडी हों। तीसरी सीरीज़ की जो वीडियो है वो वीज़ा प्रोसेस के बारे में होगी। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको उसका पता हो। मिलूँगा आपको नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।